दोस्तों, आज मैं आप लोग को ट्रांसलेशन बनाना सिखाता हूँ। बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी बहुत अच्छे से आसानी से ट्रांसलेशन बना सकेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं तैयार हूँ। अब ये जो यहाँ पे मैं है, इसका हो जाता है आई, ठीक है। और हूँ का हो जाता है एम, तो आई एम। और तैयार तैयार का हो जाता है रेडी, READY, रेडी। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। नेक्स्ट है मैं तैयार था, तो यहाँ पे जो आई है, मैं है, इसका हो जाता है आई। उसके बाद था का हो जाता है वाज, आई वाज। और तैयार तैयार का हो जाता है रेडी, READY, यानी मैं तैयार था, आई वाज रेडी। नेक्स्ट है मैं तैयार रहूंगा। अब यहाँ पे मैं, तो मैं का होता है आई। अब रहूंगा, रहूंगा है तो रहूंगा का होता है सेल या विल, तो आई के साथ लगता है सेल, तो आई सेल। और तैयार, तो तैयार का होता है रेडी, READY, रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई सेल रेडी। नेक्स्ट है हम लोग ईमानदार हैं। अब ये जो हम लोग हैं, इसका हो जाता है वी। और हैं का हो जाता है आर, VR। और ईमानदार, ईमानदार का हो जाता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। हम लोग ईमानदार थे, तो हम लोग का हो जाता है वी, WEV। और थे का हो जाता है वेयर, वी वेयर। और ईमानदार, ईमानदार का हो जाता है ऑनेस्ट, HONEST। हम लोग ईमानदार थे, तो वी वेयर ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग ईमानदार रहेंगे। अब यहाँ हम लोग हैं, तो हम लोग का हो जाता है वी, और वी के साथ लगता है विल, तो वी विल, वी विल। रहेंगे का हो गया विल। और ईमानदार, ईमानदार का बता चुके हैं, इसका होता ऑनेस्ट, तो HONEST। हम लोग ईमानदार रहेंगे, वी विल ऑनेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। इसका नेक्स्ट है राम नेक है। अब यहाँ पे ये जो राम है, ये नाम है, तो इसका हो जाएगा राम ही, राम। और है, तो है का हो जाता है एज। और नेक, नेक का हो जाता है जेंटल, GENTLE, जेंटल। राम इज जेंटल, राम नेक है, राम नेक था। अब यहाँ पे राम है, तो इसका भी राम ही होता है, राम। और था, तो था का हो जाता है वाज, राम वाज। और नेक का हो जाता है जेंटल, GENTLE, जेंटल। जेंटल मीन्स नेक। तो दोस्तों, फिर से एक बार अच्छे से समझा देते हैं। ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, क्योंकि था का वाज होता है। मैं तैयार रहूँगा, आई सेल रेडी, है ना, गागेगी का सेल होता है। नेक्स्ट है हम लोग ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। हम लोग ईमानदार थे, वी वेयर ऑनेस्ट। हम लोग ईमानदार रहेंगे, वी विल ऑनेस्ट। राम नेक है, राम इज जेंटल। राम नेक था, राम वाज जेंटल। तो दोस्तों, इसी प्रकार का हम वीडियोज इंग्लिश का लाते रहते हैं। कभी ट्रांसलेशन लाते हैं, तो कभी हम इंग्लिश का जो कोई स्टोरी होता है उसका हम हिंदी करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड में इसको शेयर भी करें, क्योंकि अगर उनको भी अंग्रेजी पढ़ने में अगर नहीं होता है, तो वो इस वीडियो को देख के अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे।